अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। वो दोनों न्यू कपड़ों के बारे में है कि जब हम नया कपड़ा परचेज़ करते हैं तो स्टिचिंग से पहले उसको श्रिंक किया जाता है, तो आप हायर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को यूज़ करते हुए किस तरह बिना मेहनत किए इन कपड़ों को श्रिंक कर सकते हैं, और जब हम कपड़ों को नॉर्मली किसी बकेट वगैरह में श्रिंक करते हैं तो उनकी शाइन जो होती है वो गायब हो जाती है। तो यहाँ पर मैं एक सीरम बनाना आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आप घर में मौजूद चीज़ों को यूज़ करते हुए सीरम बनाकर अपने कपड़ों की शाइन को बरकरार रख सकते हैं। यहाँ मेरे पास एक लेडीज़ सूट है, आप जेंट्स कपड़ों पर भी इस तरह से यही ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैंने श्रिंक करना है तो हायर ऑटोमेटिक मशीन की मदद से ही मैं इसको श्रिंक करूँगी। ये देखिए, ये सेम कलर में सारे पीसीज हैं। ये ट्राउज़र पीस है देखिए, और साथ में शर्ट है, इसकी बैक साइड और स्लीव्स हैं और फ्रंट साइड है, तो ये तकरीबन सेम कलर है, इसलिए हम एक ही दफ़ा में इसको श्रिंक कर लेंगे। अगर इनके कलर डिफरेंट हों तो फर्स्ट टाइम जब आप इनको श्रिंक करें तो इनको सेपरेट से श्रिंक करें। बाज़ लोग इसी तरह ये तय बना हुआ ही इसको बकेट में डाल देते हैं और फिर इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए सोक करना पड़ता है, तो हम इसको खोल कर वॉशिंग मशीन में ऐड करेंगे, इसलिए ये बहुत कम टाइम में और बहुत जल्दी ही श्रिंक हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं मशीन को ओपन कर दिया है और ये सारे कपड़े खोल खोल कर इसके अंदर डाल दूंगी। कपड़ों को जब फर्स्ट टाइम श्रिंक किया जाता है तो वो टेढ़े हो जाते हैं सम टाइम, तो उसकी रीज़न भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो क्यों टेढ़े हो जाते हैं और उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कपड़ा बिल्कुल सीधा रहे। कपड़ों को जब हम हाथ से वॉश करते हैं और हल्का सा निचोड़ कर तो तार पे या रस्सी पे डाल देते हैं, तो वो पानी जो उसका हैवी होता है वो नीचे की तरफ आता है, ऊपर से कपड़ा पहले ड्राई हो जाता है, तो जहाँ पे पानी होता है वहाँ से कपड़ा वज़न के साथ टेढ़ा हो जाता है। ये देखिए, मशीन को मैंने ऑन कर दिया है, तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे इसको श्रिंक करने के लिए? जी हाँ, हम क्विक का ऑप्शन यूज़ करेंगे इसमें। इसकी टाइमिंग 10 मिनट्स है, तो इसको इसी तरह से हमने रखना है 10 मिनट की। आप मज़ीद चेक कर लीजिए डिवीजन किस तरह से हुई हुई है। 3 मिनट इसका वाटर लेवल है, 3 पे है 3 लीटर, 3 मिनट ही ये इसको अच्छी तरह से कंघालेगी, एक दफ़ा रिंस करेगी और 2 मिनट के लिए इसको स्पिन कर देगी। बस इसको हमने छेड़ना नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको चेक करवाया है, जब आप इसको क्विक पे करके जस्ट स्टार्ट कर दें। तो अगर तो आपने कपड़ों को बगैर किसी सीरम के श्रिंक करना है तो बस जस्ट आपने इस तरह से डालकर मशीन को ऑन कर देना है और आपके कपड़े जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से श्रिंक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सीरम यूज़ करना है, सीरम मैं बताऊंगी भी आपको कि उसको आपने तैयार कैसे करना है, तो फिर आपने मशीन को दरमियान में एक दफ़ा रोक कर सीरम इसमें ऐड करना है। मशीन पानी लेने के बाद वर्किंग कर रही है और ये अच्छी तरह से कपड़ों को कंघाल देगी। इसके अंदर कलफ होती है जिसका निकलना बहुत ज़रूरी होता है, वरना कपड़े सिलाई के बाद उनका साइज़ चेंज हो चुका होता है, तो टेलर को देने से पहले भी आप खुद इस तरह से बिना मेहनत किए श्रिंक करके उसके हैंडओवर करें। ये देखिए, अब यहाँ पे मशीन ने दूसरी दफ़ा जब पानी लिया है तो मैंने इसको पॉज कर दिया है। अब ये देखिए, सीरम तैयार हो रहा है। ये 1 टेबलस्पून शुगर ली है मैंने, इसको पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, 1/2 कप पानी में 1 टेबलस्पून शुगर को मिक्स किया है, और ये 1 टेबलस्पून ही सॉल्ट है, ये भी हम इसके अंदर ही ऐड करेंगे, और ये वाइट विनेगर है, ये 1/4 कप हमने यूज़ करना है। ये एक बकेट पानी के लिए ये इस तरह से सीरम तैयार हो रहा है। एक बकेट में आप 2 से 3 सूट भी श्रिंक कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हमने हिला लेना है। चीनी का मिक्स करना ज़्यादा ज़रूरी है, पाउडर शुगर भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसके रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी, कपड़े को प्रेस करके भी बताऊंगी कि ये किस तरह से इसकी शाइन पहले से भी ज़्यादा हो गई है। ये मैं इसके अंदर हिलाने के बाद ऐड कर देती हूँ।
एक दफ़ा मशीन ने पहली दफ़ा जो कलफ लगे हुए पानी था वो निकाल दिया था। अब ये अगेन पानी लिया है, पानी के अंदर ही हमने ये सीरम ऐड करना है, डायरेक्ट कपड़ों के ऊपर नहीं डालना। और आपके पास डाउट भी नहीं होना चाहिए कि सिरका है तो शायद कपड़े का कलर ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं है। ये मेरा आजमूदा फार्मूला है, मैं जब भी कपड़े श्रिंक करती हूँ तो इसी तरह से करती हूँ। अब अगेन मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। अब ये 4 मिनट्स इसके रिमेनिंग हैं, 2 मिनट ये अच्छी तरह से इनको इस सीरम में कंघाल के तो फिर इसको श्रिंक कर देगी। आप बाल्टी में भी ये तरीका आजमा सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं करना चाहते या कोई भी मशीन, तो आप सिंपली बास्केट में ये सीरम तैयार करें और उसमें कपड़े को 15 मिनट के लिए डिप कर दें और उसके बाद स्पिन करके डाल दें इसको वायर पे या रस्सी पे। कपड़े को जब भी श्रिंक करें तो कोशिश करें उसको स्पिन कर लें ताकि उसका सारा पानी निकल जाए और कपड़ों का टेढ़ापन जो है उससे बचा जा सके। लीजिए कपड़े श्रिंक हो गए। जेंट सूट के लिए ये यहाँ पे मशीन जो है वो ज़्यादा सूटेबल रह जाती है क्योंकि वो बहुत बड़ा कपड़ा होता है तो उसको हाथ से निचोड़ना और डील करना थोड़ा मुश्किल होता है। मशीन के अंदर डालें, जस्ट क्विक का ऑप्शन ऑन करें और बिना किसी भी टाइम को कम या ज़्यादा किए आप 10 मिनट के बाद आपके कपड़े जो हैं वो अच्छी तरह से श्रिंक हो चुके होंगे। किसी टाइप की कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट उसे तार पे फैलाएं। ये कपड़ों की शाइन मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कपड़े बिल्कुल ऐसे हैं जिस तरह बिल्कुल नए हों। रेडीमेड कपड़े सूट जब हम स्टिच ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उसमें बड़ी शाइन होती है, लेकिन घर पे जो सिया हुआ कपड़ा होता है या टेलर से सिल के आया होता है तो वो नई लुक नहीं दे रहा होता समटाइम, तो उसकी शाइन निकल चुकी होती है। तो अगर आप यही सीरम यूज़ करेंगे तो कपड़े में पहले से भी ज़्यादा शाइन आ जाएगी। इसको फिर आपने तेज़ धूप में नहीं फैलाना, इसे छाँव में फैलाएं या यहाँ पे क्लाउडी वेदर है तो मैंने इसे ओपन एयर में फैला दिया है। स्पिन हुआ हुआ है तो इसलिए 10 मिनट में ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं इसको प्रेस करके दिखाती हूँ, आप इसकी शाइन देख सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी चमकदार लुक है इसकी, दोनों तरफ से देखें और ये इसके बाकी पार्ट भी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये सीरम तो बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।